अल्लाह ज़क़ा आपके साथ मौजूद हूँ। इस वक्त मैं दुबई स्पोर्ट्स सिटी में मौजूद हूँ। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का आज मैच है और आप सब जानते हैं, और यहाँ चाचा पाकिस्तानी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको सब जानते हैं, मेरे लिए देखते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट विशेस ये लेके आए हैं और जिस जोश जज्बे से आए हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। तो उनसे ही बात करते हैं, कितने पुराना मैच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज भी आप मौजूद हैं और इस जज्बे के साथ हम सब मौजूद हैं कि पाकिस्तान जीतेगा जीतेगा। साथ साथ पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात भी हैं ब्लड के हवाले से भी, पाकिस्तानी कौम के साथ जो अपनी हमदर्दियाँ हैं वो भी, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं पाकिस्तानी उनके हवाले से भी जो आप कहना चाहेंगे। जी मैं यही कहूँगा कि देखिए, आज आप कह रही हैं, आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आज से हर दफ़ा मौजूद होता हूँ और इंशाल्लाह जब तक मेरा खून चल रहा है मैं देता हूँ तब तक मैं पहुँच तो रहूँगा इंशाल्लाह। तो मैं अपनी आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है उसके लिए भी जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और अपनी टीम के लिए दुआओं में भी ऐसे याद रखें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो मैच खेल रही है वो जीते, इंशाल्लाह टीम जीतेगी। क्या लगता है कि हमारी टीम की जो प्रैक्टिस है वो मुकम्मल है, ऐसे ही जज्बे से खेल रहे हैं, या कहीं पर कोई कमी पेशी ऐसी है जिससे कोई डाउट चल रहा है? देखें, कभी भी आप जब पहले दिल से ही हार जाएंगे तो फिर हार जाएंगे। मैं समझता हूं कि हमारी कोई कमी नहीं है, अगर शाहीन अफरीदी नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारे बाकी भी 11 प्लेयर ही खेलेंगे, उसके अलावा उसके साथ भी 11 ही खेलने थे, तो 11 के 11 खेलेंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पहले बैटिंग हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 185 प्लस जो है ना वो हमने करना है। बाबर आजम ने तो कहा था कि 210 का जो पहले हमारा प्लान होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके सामने इनके स्पिनर जो ज़बरदस्त हैं इनको इजी नहीं लेना चाहिए, ये 185 तक हमको ये रोकने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह 185 भी हो गए तो हम इनको हराने की सलाहियत रखते हैं। शाहीन अफरीदी नहीं तो क्या हुआ, बाकी जो इकबाल की शाहीन है वो किसी से कम नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल ऐसे ही है, बाबर आजम 11 को आज इसी तरह दोबारा फिर वही हिस्ट्री दोहरानी होगी जो हमें T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को रोका भी, इनको ठोका भी, इनको मौका जो इनका मौका था वो हमने छीना भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर उधर से 11 बंदे होंगे, हमारी ओपनिंग जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगी, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि दुखी कौम को, सलाब में डूबी हुई कौम को आज बाबर आजम 11 जो है एक खुशी की जो है ना लहर देगी। और जब पाकिस्तानी सारे जितने भी UAE के अंदर 1.27 मिलियन लोग UAE के अंदर मौजूद हैं, मैं कहता हूँ कि जब जब पाकिस्तान मैच जीते तो हर पाकिस्तानी, हर ओवरसीज पाकिस्तानी 10 दिरहम डोनेट करे तो वो 12,07,00,000 जो है ना डोनेशन बनेगी और वो पाकिस्तानी कितने करोड़ बनेंगे। तो आज सारे ये भी अजम लेके मैदान में आए, अल्लाह पाकिस्तान को फतह दे, उस फतह के बाद सारे पाकिस्तानी जो है 10-10 दिरहम जो है कम से कम 10-10 दिरहम आज डोनेट करें अपने सलाब जदगान बहनों भाइयों बेटियों को, और इंशाल्लाह चारों चानो जित करें जी करेंगे जी, फटे चलेंगे। आज स्टेडियम में 95% इंडियन होंगे, 5% सिर्फ पाकिस्तानी होंगे, लेकिन आप देखिएगा जब हमारा बल्ला चलेगा तो ये 5% 95 पे भारी होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैच के लिए पुरज में है वहाँ पर जो हमारे पे एक इम्तिहान का समय है हमारे मुल्क के अंदर, मैं बस ये थे पाकिस्तानी, बस ये थे इस कौम की बेटी, आप सबसे अपील भी करना चाहूँगी कि हमारे जो इस वक्त पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो शराब की मुश्किल घड़ी में इस वक्त बेघर हो चुके हैं, जिनके पास वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मैं दुबई में मौजूद हूँ और मैं यहाँ से, मेरी जो पूरी टीम है टीम पुकार वो यहाँ से भी कोशिश कर रही है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरी टीम मौजूद है वो हर मुल्क से कोशिश कर रही है, पाकिस्तान में भी हम उन लोगों तक जो इस वक्त बेसरों आसमां बैठे हैं जिनका कोई साहिबा नहीं है, रब के अलावा उनका कोई साहिबा नहीं है, तो उनके लिए हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ मिलकर कोशिश कीजिए ताकि हम उन लोगों को ये खुशी जहाँ एक मैच की या जीतने की खुशी है वहाँ पर हम उनको जिंदगी की बाकी खुशियाँ भी लौटा सकें। तो अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें, उनको देना चाहें, तो मेरी टीम पूरे पाकिस्तान भर में काम कर रही है और मैं यहाँ से उन्हें डोनेशन भिजवा रही हूँ, तो आप मुझे भी रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपको जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुँचा सकें, उन लोगों तक उनकी जो चीज़ें हैं पहुँच सकें, ताकि ये जितना भी डोनेशन या जो भी कुछ आप लोग हमें दे रहे हैं वो किसी गलत हाथ में ना चला जाए। इसलिए मैं अजम लेके यहाँ पर मौजूद हूँ और पाकिस्तानियों से मैं वन बाय वन अपील कर रही हूँ, वहाँ पर अगर जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं और जो लोग ट्रस्ट करते हैं टीम पुकार के ऊपर, आपके एतमाद का, आपके यकीन का यकीनन बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे आपकी इस वक्त अपने पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है। मेरे साथ अजम में शाना बशाना चलिए, कदम बढ़ाइए, डोनेट कीजिए। आप लोग मेरी टीम को रब्ता कर सकते हैं या नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर मुझे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम टीम पुकार पुकार बने उन लोगों की जिनकी इस वक्त पुकार सुनने वाला कोई नहीं।